बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मंच पर हमारे जितने भी वरिष्ठ साथी और नेतागण बैठे हैं, भाई संदीप पाठक जी जो पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी को संगठन के एक ऐसे रास्ते पर ले जा रहे हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ जीत लिखी होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। निर्मल सिंह जी जिनका हरियाणा की राजनीति में काफी सम्मान रहा है और लोग आज भी कहते हैं कि इनके कद के नेता जिनकी जमीन पे पकड़ो, ऐसे नेता बहुत कम हैं। और हमारे जितने भी वरिष्ठ साथी, मैं नाम बोलूंगा तो नाम बोलने में ही सारा समय निकल जाएगा, आप सबको सारे लोग जानते हैं, अपने कार्यकर्ता हैं। मुझसे अभी मीडिया वाले ये पूछ रहे थे, कह रहे थे जी आज की रैली का उद्देश्य क्या है, तो मैंने कहा कि ये बड़ी बड़ी पार्टियां खूब पैसा लगा के बहुत सारी भीड़ जुटा के पूरा दमखम लगा के रैली करती हैं तो ऐसी दिखती है, हमारा शपथ ग्रहण समारोह जब होता है तो ऐसा दिखता है। ये तो कार्यकर्ता हैं, ये तो अभी हमारे कार्यकर्ता हैं। जब ये कार्यकर्ता अगर रैली करने पे आ जाएंगे तो फिर आगे आने वाले समय में क्या करेंगे, संदीप भाई ने एक बड़ा अच्छा शब्द दे रखा है उसके लिए, पर्दा फाड़ रैलियां करेंगे आने वाले समय में, पर्दा फाड़। ये जो साइड में लगते हैं ये कुछ नहीं बचने का। तो एक बार अपनी बात शुरू करने से पहले, जैसे हम हमेशा भारत माता की वंदना करते हैं, एक बार सारे साथी यहां से लेके वहां तक, साउंड टेस्ट भी होगा इसमें कि पीछे तक सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, सारे साथी मजबूती से मेरे साथ भारत माता का नारा लगाएंगे। और यहां जितने आसपास में मंडी में कांग्रेस और बीजेपी वाले हों, उनको आज अपने नारे से मजबूर कर दो कि वो भी कल को हाथ जोड़ के आए कि हमें अपने साथ ले लो, सारी ताकत आम आदमी में है, ऐसी आपकी बुलंद आवाज होनी चाहिए। बंद मुट्ठी करके सारे हाथ ऊपर करो, बंद मुट्ठी करके ऐसे सारे पीछे तक, ऐसा नहीं होना चाहिए पीछे वाले सो रहे हो। हां, भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब, ऐसे ही नारे लगाते रहना और कांग्रेस बीजेपी वालों के पंखे फाड़ते रहना, ऐसे इसी तरह से सब कॉर्नर हो जाएंगे धीरे धीरे। और ये बात हम महसूस करने लगे हैं। अब जब बिजली आंदोलन हुआ पिछले एक महीने तक, आप में से ढेरों लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने आके अपने अपने किस्से सुनाए, किसी गांव में कोई किस्सा, किसी गांव में कोई किस्सा, सब लोगों ने एक बात कही, जिस भी गांव में गए हमको सम्मान मिला, लोगों ने कहा आपका मुद्दा जायज है, बिल्कुल सही है, और जैसे पंजाब और दिल्ली में बिजली फ्री मिलती है वैसे ही हरियाणा में भी बिजली फ्री मिलनी चाहिए। हरियाणा के हर गांव से यही आवाज निकल के आई, हरियाणा के हर गांव से आपको यह सुनने को मिला कि नहीं मिला, बोल के बताओ मुझे, सारे, सारों ने नहीं बताया, सारे बताओ अपना अनुभव कि हरियाणा के हर गांव से फ्री बिजली की, 24 घंटे बिजली की आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है, आ रही है। खुशखबरी यह है कि शपथ तो आज दिलानी थी अरविंद जी को, लेकिन खट्टर साहब कल ही बौखला गए, रात को उनको पता चला होगा शाम को कि जो उनकी कुर्सी जिस पे इतना गुमान किए बैठे हैं उसकी एक टांग आज तोड़ देंगे हम यहां पे, ये उनको रात को पता चला, इसलिए उन्होंने एक बयान दिया, बोले हरियाणा के लोगों को ये फ्री देने वालों से सावधान रहना चाहिए, ये जो पार्टियां फ्री देती रहती हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने आज सुबह सुबह उनको करारा जवाब दे दिया है। अरविंद केजरीवाल जी ने कह दिया कि 2024 के बाद से हरियाणा के लोगों को भी फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री स्कूल और फ्री अस्पताल मिलेंगे, कर ले खट्टर साहब तेरे से जो भी होता हो कर ले। और खट्टर साहब को पहले ही पता उनके साथ क्या होना है, इसलिए खट्टर साहब ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि 24 में अगर मुझे नहीं चुना तो मैं चद्दर तान के सो जाऊंगा। अरे सो जा भाई, किसी पे एहसान कर रहा है क्या, सो जा, आज भी सोए बराबर ही है, आज भी सोए बराबर ही तो है। ऐसा प्रदेश जहां पे किसान को मुआवजा नहीं मिल रहा, ऐसा प्रदेश जहां महिलाओं के मान सम्मान की रक्षा नहीं हो रही,
ऐसा प्रदेश जहां पे युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही, सरपंचों को उनके अधिकार नहीं मिल रहे, कर्मचारियों को ओपीएस नहीं मिल रही, क्लर्कों को उनकी सैलरी नहीं मिल रही जो जायज हक मिलना चाहिए, आशा वर्कर्स को उनके अधिकार नहीं मिल रहे, उनका मानदेय नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए, ऐसे प्रदेश में जहां किसी भी वर्ग को कुछ मिल नहीं रहा, वहां पे इसका मतलब उनका मुख्यमंत्री सो रहा है, इसलिए कुछ भी नहीं मिल रहा पूरे प्रदेश के अंदर। तो इसलिए खट्टर साहब के जाने का वक्त आ गया, और खट्टर साहब जाएंगे तो फिर कौन आएगा, कौन आएगा? खट्टर साहब जाएंगे तो सुनाई नहीं दिया, कौन आएगा? यार कल तो मैं सुन रहा था ये कांग्रेस वाले कह रहे थे कि हम आएंगे उसके बाद, कौन आएगा जोर से बताओ इनको जरा, कौन आएगा? ये कांग्रेस वाले भी ध्यान से सुन लें, बीजेपी वाले भी ध्यान से सुन लें, और इनेलो जेजेपी वाले तो सुनो चाहे मत सुनो कोई फर्क भी नहीं पड़ता, कोई वोट नहीं है तुम्हारे पल्ले। तो इसलिए अब जो आम आदमी का राज आएगा उसमें आम आदमी अपनी सरकार बनाएगा और खुद सरकार चलाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, पहले सबसे बड़ा शगुफा क्या होता था इन लोगों के पास, जब तक आम आदमी पार्टी अस्तित्व में नहीं आई थी तब तक ये लोग क्या करते थे, ये जैसे यहां कोई भाई बैठा है मोक्ष बैठा है भाई, इसका मन कर गया चुनाव लड़ना है, तो ये कहता भाई मैं तो तैयारी करूंगा चुनाव लड़ूंगा, तो इसके पास चार नेता आके बैठ जाते थे शाम को, बोलते यार तू कैसे चुनाव लड़ेगा, तेरे बाप दादा ने भी राजनीति करी है कभी? हमारे तो पिताजी थे, फिर उनके पिताजी थे, फिर मेरे दादा थे, फिर परदादा थे, वो नेता थे, हमको पता है सरकार कैसे चलती है, तुमको पता नहीं है सरकार कैसे चलती है। फिर गरीब बेचारा कोई भी कमजोर आदमी नहीं सोचता, हाँ बात तो सही है यार, मेरे तो बाप दादा कोई रहे नहीं राजनीति में, मैं कैसे सरकार चलाऊंगा। अरविंद केजरीवाल जी ने, जिनकी सात पुश्तों में शायद किसी ने राजनीति नहीं की, अरविंद केजरीवाल जी ने एक आम घर से निकल के ऐसी सरकार चला के दिखा दी दिल्ली के अंदर कि मोदी जी की नाक के नीचे बैठ के नाकों चने चबवा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा भारतीय जनता पार्टी को कि क्या करें। एक आम घर से निकल के सरदार भगवंत मान जी, एक टीचर के बेटे, एक आम परिवार से आए, ऐसी सरकार चला के दिखा दी पंजाब के अंदर कि समझ नहीं आ रहा बाकी राजनीतिक पार्टियों को कि करें तो क्या करें, वोट ले तो कैसे लें। ऐसी आम आदमी की सरकार अगर हरियाणा के अंदर देखना चाहते हैं तो जैसा संदीप जी कहते हैं, माथे से पसीने की जगह जब खून टपकने लगेगा, इतनी मेहनत जब करोगे तब आती है सरकार, हल्के में सरकार नहीं आती है। इसलिए मेहनत करने को तैयार हो? कितने लोग मेहनत करने को तैयार है पीछे तक हाथ उठा के बता दो भाई मुझे। ये मीडिया वाले साथी भी पीछे घुमा के देख लेना कैमरा, एक एक साथी जी जान से लगेगा, और 2024 में पूरे बहुमत की सरकार, मैं ऐसा इसलिए दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि पिछले एक साल में जब से अरविंद केजरीवाल जी ने यह कहा कि इस मिशन पे निकल पड़ो, तब से पिछले एक साल में 850 से ज्यादा गांव के अंदर जनसभाएं की हैं, एक एक गांव में गए लोगों से मिले, उन 850 गांव के लोगों के अनुभव के आधार पर कह सकता हूं दुनिया की कोई ताकत 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार आने से नहीं रोक सकती, जिसके अंदर जितनी ताकत हो लगा लो, हमें रोक नहीं सकते। अब 2024 आम आदमी का है, हमारी सरकार बनने जा रही है, आपको ध्यान ये रखना है, एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, एक एक डिस्ट्रिक्ट से आपको इतना ध्यान रखना है, आप एक कदम भी पीछे मत छूट जाना। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि जब 10-15 साल बाद जब आपके बच्चे बड़े होंगे, आपके पोता पोती बड़े होंगे, वो देखेंगे हरियाणा के अंदर इतना बड़ा बदलाव आया, हमारा भविष्य अच्छा हो गया, वो आपसे पूछेंगे कि जब हरियाणा बदलाव की बयार में बह रहा था उस वक्त आप क्या कर रहे थे। आप नजर नहीं मिला पाएंगे अपने बच्चे और पोता पोतियों से अगर एक कदम भी पीछे रह गए, इसलिए पूरी ताकत से जुटना पड़ेगा, पूरी ताकत से इस इनकलाब का हिस्सा बनना पड़ेगा। ये सारी पार्टियों वाले कई बार ये कहते हैं कि एक साल के अंदर कैसे कर लोगे, एक बीजेपी के नेता है संदीप भाई, संदीप जी एक बीजेपी के नेता है, वो पत्रकारिता के जमाने से दोस्त रहे मेरे, उनका पिछले दिनों फोन आया, काफी सीनियर लीडर हैं, वो बोले कि यार 8-10 सीट का तो है जुगाड़ तुम्हारा, उससे ज्यादा नहीं कर पाओगे। मैंने कहा अगर चुनाव से एक साल पहले हमारा 8-10 सीटों का जुगाड़ है
तो 80-90 सीटें लेने से तुम रोक नहीं पाओगे किसी भी हालत में। तो आज के दिन भारतीय जनता पार्टी भी ये मानने लगी है, कांग्रेस पार्टी भी, जेजेपी भी, इनेलो भी, हरियाणा के अंदर ये मानने लगी है कि आम आदमी की ताकत लगातार बढ़ रही है। और ये जो संगठित शक्ति बढ़ रही है हमारी, ये जो पदाधिकारी बन रहे हैं हमारे, ये जो एक एक कार्यकर्ता को आई कार्ड मिल रहा है, किस चीज का आई कार्ड? शेर होने का आई कार्ड। शेर होने का जो आपको आई कार्ड मिल रहा है, ये सबसे बड़ी ताकत हमारी बनती जा रही है लगातार लोगों के बीच में। जब आप पहुंचते हो कि मैं आम आदमी का फला पदाधिकारी हूं, मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, तो लोग आपको सम्मान देते हैं और उनको एक जरिया मिल जाता है। ज्यादातर गांव से हमारे पास ये कंप्लेंट आती थी कि हम आम आदमी पार्टी से तो जुड़ना चाहते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी से जुड़े कैसे, कोई आया नहीं हमको जोड़ने। एक एक गांव के अंदर आने वाले समय में 11 और 21 सदस्य है, जो हम ग्राम समिति का निर्माण करेंगे वो हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव होंगे एक एक गांव के अंदर। जिसको जिस गांव में आम आदमी पार्टी से जुड़ना हो वो हमारे लोकल फ्रेंचाइजी होगा, वहां पे जाके लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ पाएंगे। और उसके बाद जो इनकलाब और सैलाब आएगा पूरे हरियाणा के अंदर, जो व्यवस्था बनेगी उसमें आम आदमी पार्टी 90 के आसपास ही सीट जीतेगी। ये आज मैं आपको बता दूं, कोई एक दो सीट इधर उधर होगी, और वो भी इसलिए कि कोई तो मेहनत करने वाला एक आध उधर भी बचा होगा, बाकी तो सारे कामचोर दूसरी पार्टियों में, कोई होगा तो एक आध सीट पे मुकाबला कर लेगा। नहीं तो आम आदमी की ताकत जो खड़ी हो रही है, जो संगठन खड़ा हो रहा है, उसकी ताकत के दम पे 2024 में हम सरकार बनाने वाले हैं। और ये जो सरकार बनाने का जो प्रण हम ले रहे हैं, इसका हौसला यहां अगली पंक्ति में बैठे व्यक्ति से लेके पीछे तक के हर व्यक्ति को सिर्फ एक ही शख्स से मिलता है वो हौसला। किससे मिलता है वो हौसला? अरविंद केजरीवाल जी से वो हौसला मिलता है सारे लोगों को। उनका जीवन हमारे लिए जिस तरह से प्रेरणा बना, जिस तरह से उन्होंने हमें सिखाया, एक बार जोरदार तालियां अशोक तंवर जी के लिए बुला दीजिए। हमारे सम्मानित साथी वरिष्ठ नेता, हरियाणा चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर जी हमारे बीच में आ गए हैं। मैं अशोक तंवर जी से निवेदन करूंगा, आपने पानी पीने का टाइम देंगे बस बीच में, उसके बाद लोग आपको सुनना चाहते हैं। आप आइए और लोगों का मार्गदर्शन कीजिए, और आप सभी जोरदार तालियों से अशोक तंवर जी का स्वागत कीजिए।